तो आज हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया वूल फैक्ट्री जो आपको देने वाली है यहाँ पे हर कलर की वूल। तो यार जो वूल फैक्ट्री है ये आने वाली है यहाँ पे दो पार्ट में। फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं फुली वर्किंग वूल फार्म जो आपको देगा यहाँ पे अनलिमिटेड वूल, वो भी हर कलर के अंदर। एंड सेकंड पार्ट जो कि इस वाली वीडियो के 24 घंटे बाद आएगा, उसमें हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं इसका आउटर बिल्डिंग जो कि एक फैक्ट्री के लुक के अंदर होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 24 घंटे का वेट करना होगा। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का लाइक गोल है पूरे 5000 लाइक का। आई नो बहुत ज्यादा लाइक बोल दिए, लेकिन यार कर दो यार, मैं नहीं बोल रहा एक दिन में करने को, आराम से कर दो। ऐसी वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दिया करो। एंड यार जो लोग भी नए हैं प्लीज यार सब्सक्राइब भी कर देना साथ ही साथ में, हमें 50K पहुंच रहा है बहुत ही जल्द। तो अब चलते हैं और देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो यार लेट्स गो। तो यार सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे जो है ये ब्लूप्रिंट यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो ब्लूप्रिंट की यार जो भी डायमेंशन है मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो बस आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है और जमीन के ऊपर एक बड़ा सा रेक्टेंगल फॉर्म करना है जो भी मैंने आपको डायमेंशन दी है उसका। अब आपको यार ये फॉर्म करने के बाद में इस वाले कोने पे आना है एंड जो अंदर वाले ब्लॉक है आपके ग्रास के उसके कोने पे गाइस आपको यहाँ पे चार ब्लॉक डिग करने हैं। तो 1 2 3 4 चार ब्लॉक डिग करने के बाद में अब जितने भी ये ब्लॉक है अंदर वाले जितने भी ग्रास के ब्लॉक है सारे आपको यहाँ पे रिमूव करने होंगे और सभी को आपको रिमूव करना है यहाँ पे चार ब्लॉक तक। तो फटाफट से करके मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक आप भी कर लेना। तो इसको पूरा खाली करने के बाद में अब आपको यहाँ पे फ्रंट साइड पे आना है और आपको आना है यहाँ से राइट साइड पे इस वाले कोने पे। देन आपको लेना है यहाँ पे स्टोन के ब्रिक वाले ब्लॉक और यहाँ पे पूरे 7 प्लेस करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पे प्लेस करने के बाद में अब आपको इनको बस यहाँ पे एक्सटेंड करते जाना है पूरा उस कोने तक। तो 7 ब्लॉक यहाँ पे एक्सटेंड करने के बाद में वापस से आपको स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आना है एंड इस बार आपको लेना है यहाँ पे एंड स्टोन वाली ब्रिक और यहाँ पे पूरी चार प्लेस करनी है इसके साइड में। 1 2 3 4 चार यहाँ पे प्लेस करने के बाद में सेम करना है इसको भी पूरा कोने तक, वहां तक आपको एक्सटेंड करना होगा। तो चार चार ब्लॉक लगाते जाना। चार ब्लॉक यहाँ पे एक्सटेंड करने के बाद में अब आपको आना है इस वाले कोने पे और बेसिकली यार जो अपनी यहाँ पे ब्लूप्रिंट था इसकी बाउंड्री के साइड में सिंगल सिंगल आपको ये वाले ब्लॉक प्लेस करते जाने हैं और एक और इसकी बाउंड्री यहाँ पे क्रिएट करनी है। इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पे फ्रंट में आना है और यहाँ पे गाइस आपको तीन ब्लॉक काउंट करने हैं। 1 2 एंड 3 तीन ब्लॉक काउंट करने के बाद में फोर्थ वाले ब्लॉक के पीछे वाली साइड पे आना है और यहाँ पे तीन ब्लॉक लगाने हैं आपको अंदर की साइड पे एंड इसको आपको एक्सटेंड करते जाना है पूरा पीछे तक उस वाले कोने तक एंड यहाँ से इसको आपको अटैच करना है। तो इतना करने के बाद में अब आपको वापस से यार यहाँ पे तीन ब्लॉक काउंट करने हैं 1 2 एंड 3 एंड फोर्थ वाले ब्लॉक पे आपको वापस से सिंगल सिंगल ब्लॉक लगा के पूरा यहाँ पे इसको अटैच करना है। ये करने के बाद में अब आपको वापस से यहाँ पे तीन ब्लॉक काउंट करने हैं 1 2 एंड 3 एंड फोर्थ वाले ब्लॉक पे वापस से आपको तीन ब्लॉक लगाने हैं इस बार एंड इसको भी आपको पूरा एक्सटेंड करना है। इतना करने के बाद में चार कैविटी बन जाएगी जो कि तीन ब्लॉक वाइड होगी। तो सारी कैविटी क्रिएट करने के बाद में आपको फर्स्ट वाली के पास में आना है और यहाँ पे तीन ब्लॉक काउंट करने हैं 1 2 एंड 3 एंड फोर्थ वाले ब्लॉक पे यहाँ पे तीन ब्लॉक लगा के इसको आपको एक 3x3 का स्क्वायर बनाना है। सेम आपको यहाँ पे रिपीट करना है। तो तीन ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे तीन लगाने हैं, फिर वापस से तीन ब्लॉक छोड़ के तीन लगाने हैं। तो इससे हमारी यहाँ पे पूरे चार 3x3 के स्क्वायर बन जाएंगे। अब सेम टू सेम स्क्वायर फॉर्म करने हैं आपको इन तीनों साइड पे। तो फटाफट से कर लेते हैं, तीन तीन ब्लॉक छोड़ के लगाने हैं आपको। इतना करने के बाद में गाइस हमारे पास यहाँ पे बन जाएंगे पूरे 16 3x3 के स्क्वायर। स्क्वायर फॉर्म करने के बाद में अब आपको इनको पूरा फिल करना होगा। जो टॉप वाली लेयर है आपको यहाँ पे प्लेस करने होंगे पूरे ग्रास ब्लॉक। तो यहाँ पे 9 9 आपको ग्रास ब्लॉक लगाने होंगे सबके ऊपर। तो इतना करने के बाद में अब आपको आना है आपके फर्स्ट वाले स्क्वायर के पास में जो कि आपकी लेफ्ट वाली साइड पे स्टार्ट होता है। यहाँ से यहाँ पे आने के बाद में जो हमारा फर्स्ट वाला रो है अपने ग्रास ब्लॉक का उसके मिडिल वाला ब्लॉक आपको तोड़ना है और यहाँ पे प्लेस करना है आपको ऑब्जर्वर वाला ब्लॉक एंड इसका एरो का शेप कैसा है आप यहाँ पे देख सकते हो। बेसिकली यार इसका जो रेड डॉट है आपकी एंड स्टोन ब्रिक के साइड में आना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे ऑब्जर्वर प्लेस करने के बाद में अब आपको पीछे मुड़ना है और यहाँ पे लगाना है आपको एक ब्लॉक और इसके आगे लगाना है डिस्पेंसर। बेसिकली यार डिस्पेंसर होने वाला है इसके ऊपर, जो अपना ऑब्जर्वर ब्लॉक है इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे आना चाहिए और इसका फेस होना चाहिए यहाँ पे अंदर की तरफ। पीछे वाले ब्लॉक को तोड़ना और यहाँ पे लगाना आपकी रेस्टोन की डस्ट। तो जो भी काम अपन ने यहाँ पे किया आपको रिपीट करना है इन तीनों के साथ में, तो फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे करने के बाद में अब आपको बिल्कुल अपोजिट साइड पे यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम रिपीट करना है प्रोसेस को। तो हमारे दोनों साइड पे लग चुका है, अब बारी है बीच वाला काम करने की। तो बीच में गाइस आपको आना होगा इस मिडल वाली रो पे और मिडल वाले ब्लॉक पे आने के बाद में ये दोनों ब्लॉक तोड़ने हैं। यहाँ पे लगाना है आपको ऑब्जर्वर एक तो यहाँ पे और एक लगाना है यहाँ पे। अब इनके पॉइंटर देख लो आप कैसे लगा रखे हैं मैंने, दोनों ट्रायंगल कुछ इस टाइप से लगे हुए हैं। इनको लगाने के बाद में लगाना है बीच में एक ब्लॉक, फिर यहाँ पे लगाना है डिस्पेंसर एक और एक लगाना है डिस्पेंसर इस वाले ऑब्जर्वर के ऊपर यहाँ पे। देन तोड़ना है बीच वाले ब्लॉक को और यहाँ पे प्लेस करनी है रेडस्टोन की डस्ट। इतना करने के बाद में सेम चीज रिपीट करनी है तीनों साइड पे यहाँ पे। इतना करने के बाद में अब सभी डिस्पेंसर के अंदर आपको डालना पड़ेगा शीयर को, तो सिंगल सिंगल शीयर यहाँ पे डालते जाना। तो इन सभी के अंदर यहाँ पे शीयर डालने के बाद में अब यहाँ पे बारी है हमारा एनक्लोजर बनाने की, जिसके अंदर हमारी शीप यहाँ पे रहने वाली है। तो उसके लिए आपको आना है आपके फर्स्ट वाले स्क्वायर के पास में एंड यहाँ पे आपको यूज करना होगा लाइट ब्लू स्टेन ग्लास का। एंड सिंपली आपको इस वाले कोने पे दो ग्लास लगाने, फिर यहाँ पे दो लगाने एंड एक बार यहाँ पे दो लगाने। इसके बाद में डिस्पेंसर के ऊपर सिंगल ग्लास ब्लॉक लगा के एक एनक्लोजर यहाँ पे क्रिएट करना है। तो यार यहाँ पे हमारा एनक्लोजर बन चुका है, काफी सिंपल था, बस दो दो ब्लॉक लगाने थे साइड में और एक लगाना था डिस्पेंसर के ऊपर। तो यार ये तो बन गया, बाकी जो यहाँ पे 15 बचे हुए हैं वो सारे यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद सबके कलर में आपको बताऊंगा लास्ट में। तो आप सारे कलर यहाँ पे देख सकते हो, ब्लू के बाद में यहाँ पे सियान है, फिर पर्पल है, फिर येलो है, ऐसे करके सारे कलर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो इस तरह से गाइस आपको यहाँ पे जो एनक्लोजर है उसको कंप्लीट करना है, बहुत सिंपल है। तो इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पे पीछे वाली साइड पे आना है, जहाँ पे अपन ने यहाँ पे स्टोन ब्रिक के जो ब्लॉक्स होते हैं, अब यहाँ से आपको पूरे 8 ब्लॉक काउंट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ब्लॉक काउंट करने के बाद में जो 9th वाला ब्लॉक होगा आपको यहाँ से पूरे 5 ब्लॉक तोड़ने हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे प्लेस करनी है आपको जो आपकी ब्रिक्स वाले ब्लॉक होते हैं ना, आपको यहाँ पे पूरे 5 प्लेस करने होंगे। तो 5 ब्लॉक यहाँ पे ब्रिक लगाने के बाद में जो कोने वाले ब्लॉक्स होंगे इनको आपको यहाँ पे एक्सटेंड करना है बाय 8 ब्लॉक्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम यहाँ पे करना है 2 3 4 5 6 7 8। देन यहाँ पे चेस्ट लगाने स्टार्ट करने हैं, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, फिर दो यहाँ पे, दो यहाँ पे एंड बेसिकली पूरे 5 आपको बड़े वाले चेस्ट ऐसे zigzag पैटर्न में यहाँ पे आपको लगाने हैं। हर एक ब्लॉक के साइड में लगाना है आपको हॉपर एंड जो टॉप वाला यहाँ पे होगा ना चेस्ट, इसके ऊपर इस वाले ब्लॉक के ऊपर लगाना है आपको हॉपर। हॉपर लगाने के बाद में यहाँ पे लगाएंगे अपन ब्रिक वाला ब्लॉक, देन पीछे आएंगे और यहाँ पे 3 ब्लॉक लगा के इनको एक्सटेंड करेंगे 6 ब्लॉक और। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 तो इस वाले ब्लॉक के कंपैरेटिव एक ब्लॉक यहाँ पे कम आना चाहिए। इसके बाद में लेना है आपको स्टोन ब्रिक और दो आपको यहाँ प्लेस करनी है। इसके ऊपर आएगी 3 आपकी नॉर्मल वाली ब्रिक्स और एक सिंगल आएगी यहाँ पे। इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पे लेना है ब्लॉक ऑफ आयरन और इसके पीछे आपको मिडिल वाले ब्लॉक के जस्ट पीछे वाला ब्लॉक तोड़ना है एंड इसके साइड में दो यहाँ तोड़ने और एक यहाँ पे तोड़ना है। एंड बेसिकली आपको सिंगल सिंगल ब्लॉक यहाँ पे प्लेस करने होंगे और बीच वाले ब्लॉक को तोड़ना होगा। देन आपको यहाँ पे लेना है आपके ग्लास वाला ब्लॉक और यहाँ पे यार ग्लास लगाने स्टार्ट करने हैं इसकी हाइट तक यहाँ तक। देन साइड में आपको 3 ब्लॉक यहाँ पे एक्सटेंड करने होंगे 1 2 3 सेम यहाँ पे करने हैं 1 2 3 एंड इसको नीचे यहाँ पे एक्सटेंड करते जाना है इस वाले ब्लॉक के ऊपर सेम यहाँ पे करना है। इसके बाद में यार इस वाले ब्लॉक से आपको यहाँ पे 4 ब्लॉक एक्सटेंड करने हैं 1 2 3 4 एंड सेम इसको भी यहाँ पे एक्सटेंड करते जाना है नीचे की तरफ और इससे आपको अटैच करना है। तो आपकी एक ऐसी कैविटी यहाँ पे बन जाएगी। अब आपको फ्रंट में आना है वापस से एंड यहाँ पे लेनी है ब्रिक वाली स्टेयर एंड जो आपका टॉप वाला यहाँ पे चेस्ट है इसकी लाइन में लास्ट वाले ब्लॉक पे उल्टी है तो यहाँ पे प्लेस करनी है स्टेयर, एक प्लेस करनी है यहाँ पे। इस पे आएगा आपका ब्लॉक,
ब्लॉक के बीच में लगानी है तीन आपकी उल्टी करके स्टेयर, एक तो तीन यहाँ पे, तीन लगानी है इसके ऊपर सीधी करके और दो लगानी है ऐसी साइड में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एंड ऊपर जो यहाँ पे तीन ब्लॉक बच गए हैं आपको यहाँ पे वापस से उल्टी करके तीन स्टेयर लगानी है। इतना करने के बाद में गाइस एक बार इस वाली स्टेयर को यहाँ पे तोड़ना और इसके पीछे आपको यहाँ पे एक ब्रिक वाला ब्लॉक लगाना है, उसके बाद वापस से आपको स्टेयर लगानी है, ठीक है। तो भाई हमारा टॉप का काम तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया है, अब बारी है यहाँ पे नीचे जाके नीचे वाला सारा वायरिंग वाला काम करने की और सारे जो हॉपर्स है वो सारे वहाँ पे प्लेस करने की। तो उसके लिए आपको आना है इस वाले कोने पे और यहाँ पे बेसिकली ये दो ब्लॉक छोड़ने आपको स्टोन ब्रिक वाले, एंड थर्ड वाले ब्लॉक को तोड़ना है। यहाँ पे लगाना है आपको ट्रैप डोर बर्च वाला, देन जाना है आपको नीचे और यहाँ पे प्लेस करनी है आपको तीन लैडर। तो यार यहाँ पे नीचे आने के बाद में अब आपको इस वाली पॉइंट पे आना है जहाँ पे अपन ने ये चार ब्लॉक प्लेस करे थे। अब यहाँ पे गाइस अपना जो ये वाला पाइप है इसके जो बीच वाला ब्लॉक है ना आपको यहाँ पे प्लेस करना होगा एक ड्रॉपर, मतलब यार इन चार ब्लॉक के बिल्कुल बीच वाले ब्लॉक के यहाँ पे आपको प्लेस करना होगा ड्रॉपर को। इसके ऊपर लगानी है आपको सोल सैंड, सोल सैंड लगाने के बाद में जो हमारा ड्रॉपर है उसके जस्ट सामने आपको लगाना होगा यहाँ पे कंपैरेटर, कंपैरेटर के आगे आएगा रिपीटर और रिपीटर को आपको सेट करना है यहाँ पे थर्ड वाली टिक पे, ठीक है। इसके सामने लगाना है आपको स्टिकी पिस्टन, फिर कुछ ब्लॉक यहाँ पे तोड़ना, देन यहाँ पे आपको ऑब्जर्वर लगाना पड़ेगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। यानी कि आज जो आपका एरो है वो यहाँ पे जाना चाहिए दीवार की तरफ और ये लगाना है आपको पिस्टन के जस्ट साइड में, ठीक है। एक ब्लॉक छोड़ के लगाना है आपको ऑब्जर्वर यहाँ पे, एंड इस बार जो रेड डॉट है वो होना चाहिए इस तरफ। तो ऑब्जर्वर यहाँ पे प्लेस करने के बाद में अब सिंपली आपको रेडस्टोन डस्ट लेनी है और तीन आपको यहाँ पे एल शेप में लगा देनी है। तो यार यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म क्रिएट करने के बाद में अब वापस से लेना है आपको आयरन वाला जो ब्लॉक होता है और दो दो आपको यहाँ पे निकालने होंगे, जितने भी आयरन वाले ब्लॉक लगे हुए हैं उनके नीचे आपको दो दो ब्लॉक एक्सटेंड करने हैं कुछ इस टाइप से। तो इसको यहाँ पे क्रिएट करने के बाद में आपको अब यहाँ पे ऊपर आना है एंड इस वाले ग्लास को ब्रेक करके सेकंड वाले ग्लास पे डालना है वाटर, तो इससे आपका वाटर का फ्लो कुछ ऐसा बन जाएगा। देन कैल्प लेके जाना है नीचे और सोल वाली सैंड पे लगाना स्टार्ट करना है पूरा टॉप तक, उसके बाद वापस जाना नीचे और उसको ब्रेक कर देना। तो जैसे यहाँ पे बबल्स आ जाएंगी ऊपर की साइड पे उसके बाद में यहाँ पे ग्लास लगाना एंड इसको पैक कर देना। तो आपकी यहाँ पे आइटम एलिवेटर बन चुकी है। तो इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पे नीचे आना है एंड आपको आना है आपके ऑब्जर्वर के पास में यहाँ पे। तो यार यहाँ पे जो आपका ऑब्जर्वर वाला ब्लॉक है इसके आगे वाला जो ब्लॉक है ना आपको इसके साइड में यहाँ पे दो कोबलस्टोन प्लेस करने हैं और एक लगाना है कोबलस्टोन यहाँ पे। देन इसके ऊपर आएगा आपका चेस्ट और चेस्ट के पीछे आएगा हॉपर, हॉपर के ऊपर आएगा आपका रेल और रेल के ऊपर आएगा माइनकार्ट विद हॉपर, ठीक है कुछ इस तरह से। इसको प्लेस करने के बाद में इसको तोड़ लेना नीचे वाले ब्लॉक को। तो जो भी अपन ने यहाँ पे मैकेनिज्म क्रिएट किया है आपको इन सभी के ऊपर क्रिएट करना होगा। तो फटाफट से कर लेते हैं इस वाली साइड पे। तो वापस से वही करना है, यहाँ पे दो कोबलस्टोन लगाने हैं, फिर आएगा आपका चेस्ट यहाँ पे सबके सामने एक एक। तो चार यहाँ पे बना लिए, अब चार बनाते हैं अपोजिट वाली साइड पे यहाँ पे। तो फटाफट से कर लेते हैं गाइस, सेम प्रोसेस करना है। एक ब्लॉक जो आपका सामने वाला ब्लॉक है ऑब्जर्वर का उसके साइड में लगाने हैं दो कोबल स्टोन, फिर लगाना है उसके एक ब्लॉक आगे यहाँ पे चेस्ट, पीछे लगाना है हॉपर, ऊपर आएगा रेल और रेल पे आएगा माइनकार्ट विद हॉपर। तो हमारी यहाँ पे दोनों साइड बन चुकी है, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली। अब बारी है यहाँ पे बीच वाला पार्ट कंप्लीट करने की। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है एंड वापस यार ऑब्जर्वर के सामने वाले ब्लॉक को छोड़ना है, मतलब बीच वाले को, और साइड में लगाने हैं दो कोबल स्टोन, देन एक सामने लगाना है, फिर लगाना है चेस्ट, पीछे आएगा हॉपर, हॉपर के ऊपर आएगी रेल और फिर माइनकार्ट विद हॉपर। सेम करना है सबके साथ में, फटाफट से करके मैं आपसे मिलता हूँ। तो ये भी हो गया है कंप्लीट। अब बारी है इसके जस्ट पीछे वाले साइड की जो कि यहाँ पे है। तो इसके लिए भी सेम करना है, एक ब्लॉक जो आगे वाला है उसके साइड में लगाने हैं दो कोबल स्टोन एंड बाकी प्रोसेस सेम ही है। तो इस टाइप से गाइस आपको यहाँ पे जितने भी हॉपर्स हैं और जो माइन कार्ड्स हैं सारी आपको ऐसे यहाँ पे प्लेस करनी होगी। इतना करने के बाद में अब आपको बहुत सारे हॉपर लेके यहाँ पे आना है जो आपका ड्रॉपर था, एंड ड्रॉपर के पीछे आपको यहाँ पे हॉपर लगाते जाना है और पूरे आपको आठ लगाने हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो अपन ने तीन लगा दिए, चार पाँच छह सात एंड आठ। तो यार यहाँ पे पूरे एट हॉपर लगाने के बाद में अब इस वाले हॉपर के अंदर आपको हॉपर लगाते जाना है इस तरफ और पूरे सेवन और लगाने हैं। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन कुछ इस टाइप से सेम आपको करना है यहाँ पे। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, सेवन सेवन लगाने के बाद में अब आपको यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है एंड पूरे आपको थर्टीन लगाने हैं पूरी लाइन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ पे लगाने हैं, 13 यहाँ पे लगाने हैं। सेम करना है इन दोनों वाली साइड पे। तो वापस से इसके नीचे आना है आपको और आपके चेस्ट के नीचे वाले से लगाना स्टार्ट करना है। लास्ट बार करते हैं यहाँ पे। ओके, तो यार सारे यहाँ पे लग चुके हैं। अब इन सभी को यहाँ पे लगाने के बाद में अब बेसिकली आपको हर कोने पे लगानी है लाइट। तो कुछ इस टाइप से लाइट लगा लेना एंड हल्की फुल्की यहाँ पे मिडल में लगा लेना। ये रैंडम है, आप कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अब इस वाले पॉइंट पे गाइस, अब आपको यहाँ पे हर एक एनक्लोजर के अंदर आपको एक शेप डालनी होगी। तो बहुत सिंपल है, आपको आप यहाँ पे माइनकार्ट के अंदर बिठा के डाल सकते हो। फिलहाल के लिए मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे एग से। शीप डालने के बाद में गाइस, अब आपको एक बार इनको नंगा कर देना है। तो शीयर का यूज करना, इनके सारे जो बाल हैं, बेसिकली जो वूल होती है, सारी एक बार निकाल लेना। और आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, सारी वूल जो वहाँ पे निकाली थी, सारी अब पारी यहाँ पे आइटम एलिवेटर से ऊपर आ चुकी है और हमारे चेस्ट पे जानी स्टार्ट हो गई है। यानी कि यार पूरा फार्म ढंग से काम कर रहा है। अब क्या होगा ना यार, जैसे ही इनकी वापस से यहाँ पे जो वूल है अपने आप जैसे ही उग जाएगी ना, तो हमारी मशीन ऑटोमेटिक उसको काट देगी। और काटने के बाद में सारी जो आपकी वूल है इस वाली एलिवेटर से होती हुई आपके चेस्ट के अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब गाइस, आप यहाँ पे डाई का यूज करके आपकी हर एक शीप को अलग अलग कलर यहाँ पे दे सकते हो। तो यार यहाँ पे हर कलर की डाई होती है, तो आप अपनी जो शीप का वूल है वो हर कलर में यहाँ पे कर सकते हो कन्वर्ट। तो डाई फार्म कैसे बनाते हैं उसका मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। तो इसी के साथ हमारा जो यहाँ पे पार्ट वन है वो होता है कंप्लीट। एंड पार्ट वन में गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है पूरा वर्किंग फार्म। नेक्स्ट वाले पार्ट में गाइस, पूरा जो आउटर लुक है वो मैं इसका बनाने वाला हूँ। पूरी जो आउटर जो इसकी फैसिलिटी होती है ना, पूरी मैं क्रिएट कर दूंगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।